हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमर। तो वेलकम टू माय चैनल फिल्म न्यूज एंड रिव्यूज। आज इस वीडियो में मैं इंडियन फिल्म के कई सारे अपडेट दूंगा। सबसे पहले अपडेट है आपका वरुण धवन को लेकर। वरुण धवन और डेविड धवन फिर से फोर्थ टाइम काम करने जा रहे हैं। इसके पहले उन दोनों ने तीन फिल्मों में काम किया था। 2014 में रिलीज होने वाली फिल्म मे तेरा हीरो, 2017 में जुड़ुआ टू और 2021 में कुली नंबर वन, जो ओरिजिनल फिल्म का एक्चुअल सीक्वल था, सीक्वल नहीं कह सकता, रीमेक था। तो ये इसके बाद अब वरुण धवन और डेविड धवन एक साथ काम करने वाले, और इस फिल्म के लिए हीरोइन चुना गया है मृणाल ठाकुर को। देखिए, अगर इन दोनों की जो पिछले तीन फिल्में, उन तीन फिल्मों में देखेंगे कि हर बार नया नया हीरोइन को लिया गया है। 2014 में मैं तेरा हीरो का हीरोइन थी इलियाना डिक्रूजा, फिर 2016 में तापसी पन्नू और जैकलिन फर्नांडिस, और 2021 में रिलीज होने वाली फिल्म पुली वन नंबर वन में सारा अली खान। तो इसमें मृणाल ठाकुर है, और मृणाल ठाकुर के अलावा और भी एक हीरोइन है जिसके नाम अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, और इस मूवी का शूटिंग इस साल की मई और जून में स्टार्ट होने वाली है। तो देखना है ये मूवी कैसा होता है। दूसरा अपडेट है बॉबी दयाल को लेकर। एनिमल के सक्सेस के बाद बॉबी दयाल का विलेन, एज ए विलेन उनकी जो हाइप है वो बहुत ही चढ़ चुका है। कुछ दिन पहले कंगूवर का टीजर रिलीज हुई थी और उसमें भी उनको जबरदस्त लगा। अब वो फिर से एक हिंदी फिल्म में एज ए विलेन काम करने वाले, और ये कोई मतलब बिग प्रोडक्शन हाउस नहीं, यशराज फिल्म से अब वो एज ए विलेन काम करने वाले हैं, और उनके ऑपोजिट में रहने वाली आलिया भट्ट। सोचिए, इतना सा आलिया भट्ट और इतना लंबा बॉबी दयाल अब विलेन बनने वाला है। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे रेलवे मैन वेब सीरीज का डायरेक्टर शिव रावत, और ये यशराज फिल्म का स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही होगा कि अब आलिया भट्ट भी स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा है। तो देखते हैं इस मूवी में बॉबी दयाल का रोल कैसा रहता है। तीसरा अपडेट हिंदी से नहीं, बिल्कुल साउथ से, तमिल फिल्म इंडस्ट्री से। कंगूवा का टीजर ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, और अब सूर्या अपना नेक्स्ट मूवी का अनाउंस किया है। उनका नेक्स्ट मूवी का टेंटेटिव रखा गया है सूर्या 42। ऐसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि साउथ में ऐसा होता है कि जब भी कोई नया मूवी किसी भी हीरो का रिलीज होता है तो वो लोग पहले क्या करते हैं कि उनकी नाम को लेकर ही टाइटल रख देते हैं। तो ये मूवी का डायरेक्टर है एक जिगरा थंदा डबल एक्सएल का डायरेक्टर कार्तिक शोभराज, और इसका जो टैगलाइन रखा गया है वो है लाफ लाफ्टर वार। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस मूवी कैसे बनने वाला है। फोर्थ अपडेट है एनिमल पार्क को लेकर। एनिमल के सक्सेस के बाद जब से संदीप भंगा रेड्डी ने ये अनाउंस किया है वो उसका अब सीक्वल बनाएंगे, उसका नाम होगा एनिमल पार्क। तो लोग ये जानना चाह रहे कब ये शूटिंग स्टार्ट होगा इस मूवी का। अब इसके बारे में अपडेट आया कि इस मूवी का शूटिंग स्टार्ट होने वाला है 2026 से, यस 2026 से, क्योंकि संदीप भंगा रेड्डी इस साल के दिसंबर से प्रभास के साथ स्पिरिट मूवी का शूटिंग स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इस मूवी का शूटिंग करेंगे। यानी स्पिरिट रिलीज होगा 2025 में, और इस मूवी का शूटिंग कंप्लीट करने के बाद ही 2026 से एनिमल पार्क का शूटिंग स्टार्ट करेंगे। और इस बीच रणबीर कपूर रामायणा पार्ट वन और पार्ट टू का शूटिंग कंप्लीट करेंगे, उसके साथ साथ वो जो है लव एंड वार जो मूवी है संजय लीला बांसल का, उस मूवी का भी शूटिंग कंप्लीट करेंगे। तो उसके बाद ही ये स्पिरिट का शूटिंग, सॉरी एनिमल पार्क का शूटिंग स्टार्ट करेंगे दोनों। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।